अब आपको एक्सरसाइज 2.6 में ये क्वेश्चन दी है, इसको सॉल्व करना है, साथ में वेरीफाई भी करना है। तो आपको ऐसी क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, आपको पहले इसको आराम से सिंपल फॉर्म में कर देंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो इधर पे जो 3x है इसको हम क्या है इधर पे ट्रांसपोज करेंगे, तो इधर पे आपको पता है ये डिवाइड में है, इधर पे जाके ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x, इधर पे डिवाइड में है, इधर पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 8x माइनस 3। ये किस प्रोसेस से किया था हमने, ये ट्रांसपोज किया था, ठीक है, ये आ गया। अब जो चीज़ x दिख रहा है, तो x और x वाली चीज़ हम क्या है एक साइड पे ले आएंगे, तो इसको जब हम इधर पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 8 है, इधर पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 6x माइनस 8x इक्वल्स टू में माइनस 3। इसमें से जब हम 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 2x, और इधर पे माइनस 3 है तो माइनस से माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 है, इस 2 को हम इधर पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। अब हमने जो वैल्यू निकाली है हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक्स है उधर पे हम क्या रख देंगे 3/2 की वैल्यू रख देंगे। तो 8x माइनस 3, 3x इक्वल्स टू 2। तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में कैसे किया था, 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 6x, इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 3/2, इधर पे भी हम क्या रख देंगे 3/2, तो ये 2 1 जा 2 4 जा, इधर पे 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, माइनस 3 होगा इधर पे, और इधर पे क्या होगा 3 3 जा 9, तो जब 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 इक्वल्स टू 9। तो जो हमने वैल्यू निकाली थी वो एकदम वैल्यू सही थी, हमने वेरीफाई कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलती हूँ।